आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज आप लोगों के लिए खुशखबरी है, आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं कशिश गुप्ता जी। इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत अच्छी पकड़, इनडायरेक्ट टैक्स में आपने कई कंपनियों में, कई सीए फर्म में अच्छी अच्छी पोजिशन पर सर काम करा है, और अब आप लीगल फर्म के जरिए इनडायरेक्ट टैक्स में ही काम कर रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों के भाग पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आप हमारे दर्शकों का उनका जवाब दीजिएगा। मेरा मेन क्वेश्चन है आपके भाग पर कि सर जो सर्विस टैक्स के नोटिसेज आ रहे हैं, क्योंकि देखो सर्विस टैक्स मुझे बिल्कुल नहीं आता, मैंने कभी उस पर काम नहीं करा, तो हमारे दर्शकों की डिमांड थी कि सर्विस टैक्स पर एक वीडियो बनाए। तो मुझे आपका नाम मिला कि भाई आप ही बता सकते हैं सर्विस टैक्स के बारे में, जो नोटिसेज लोगों को आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं, इनका क्या कारण है, और ये पुराने नोटिसेज क्यों आ रहे हैं, क्योंकि सर्विस अब तो जीएसटी में ही हम सब लोग रम गए हैं, 4-5 साल यहाँ पर हो गए, और इन नोटिसेस का क्या करें और क्या नहीं करें, प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं। जी सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके दर्शकों को सर्विस टैक्स पे कुछ अपना नॉलेज शेयर कर पाऊँ, और शुक्रिया मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए, एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, और हम भी इसकी वीडियोज़ कभी देखी है आपकी, जीएसटी के जो लेक्चर्स आपके आते थे, तो कभी सोचा नहीं था कि चलो इस प्लेटफॉर्म पे भी कभी आपके साथ हमारी मुलाकात होगी, और आपके दर्शकों को भी मेरा अभिनंदन और मेरी तरफ से नमस्कार वनकम, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से आपके दर्शक हैं। सत श्री अकाल, आदाब, और सभी कोरोना वायरस से बचे हों, खुश हों, हेल्दी हों, यही मेरी दुआ है आपके दर्शकों के लिए और आपके लिए भी। और इतना नॉलेज दे के आप उनको खुश तो वैसे ही कर ही देते, तो उनकी इम्यूनिटी तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग होगी। तो अब आपके जो क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कि अब हम जीएसटी में रम चुके हैं, और ऐसा सिर्फ आपके साथ ही नहीं, ऐसा एक्सपर्ट्स के साथ भी है। अगर कोई आप बड़ी इनडायरेक्ट टैक्स फॉर्म में बात करें तो सब भूल गए हैं कि मैं ये नहीं कहूँगा कि भूल गए हैं, सबकी आदत एकदम से छूट गई है कि सर्विस टैक्स में क्या क्लोजेस थे क्या नहीं था। अभी हमारे पास नोटिसेज आते हैं सर्विस टैक्स के, आज की डेट में काफ़ी नोटिसेज आ रहे हैं, रादर मुझे भी किसी क्लाइंट का कॉल आता है तो पहले मेरे माइंड में ये रहता है कि इसका शायद सर्विस टैक्स का ही नोटिस आया होगा। तो कुछ नोटिसेज आ रहे हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के, कुछ नोटिसेज आ रहे हैं 26AS की रिकंसिलिएशन के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जहां तक बात है 26AS टूर एंड ट्रेवल के भी शायद कुछ नोटिस आ रहे हैं, हर इंडस्ट्री को आ रहे हैं नोटिस, हर इंडस्ट्री को आ रहे हैं। और जहां बात आती है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की और किसी टेक्निकल लॉ की, तो एक बार के लिए तो हमें भी एक लगता है मैमथ टास्क है कि अब कौन बुरे पुराने लोगों को खंगोले, क्योंकि सबका टच छूट गया था इतने रिजाइन में। और आज से 2 साल पहले डिपार्टमेंट की भी यही कोशिश रही थी कि वो जितने भी उनके 17-18 तक की असेसमेंट्स हैं जून तक की, वो करके उसके असेसमेंट नोटिस बना के क्लोज करें। और 2 साल पहले तक काफी बड़ी कंपनीज के सब हो चुका है, लेकिन अब फिर से एक वेव आया है कि काफी नोटिसेस आ रहे हैं। तो क्या करें, इनका रिप्लाई करें नहीं करें? नहीं, देखिए नोटिस आया है, शोकॉज नोटिस, रिप्लाई तो करना है, रिप्लाई करना है, क्योंकि उन्होंने तो आपकी डिमांड बना के दे दी है कि जी आपको इतने रुपए पे करना है। ठीक है ठीक है। अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट या वो एक्स पार्टे असेसमेंट ऑर्डर कर देगा कि इन्होंने कुछ बोला बताया नहीं है, इसका मतलब है कि दे हैव नथिंग टू से, इसलिए जो मैंने ऑब्जर्वेशन दी है ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके बेसिस पे डिमांड इनको कंफर्म्ड है। मतलब ये कंफर्म हो गया कि नोटिस आया तो उसका रिप्लाई देना ही चाहिए, रिप्लाई देना ही चाहिए। अब कई बार नोटिसेज ऐसे आ रहे हैं जिसमें कि मतलब उस टाइम पे मेरे पे सर्विस टैक्स लगता ही नहीं था, सिर्फ मेरी रिसिप्ट को देखकर, मेरे 26AS को देखकर वो नोटिस दे रहे हैं। अब अगर मैं उस टाइम पे सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड ही था, लेकिन मेरी 3B वो, सॉरी मैं 3B की बात करूंगा, जीएसटी में रमे हुए, मेरी क्या है सर्विस टैक्स की रिटर्न ने, अब मुझे उसकी रिटर्न नो नहीं पता कहाँ है, उसका यूजर आईडी पासवर्ड नहीं पता मेरे को कि कहाँ है, ठीक है, तो मैं उनके रिप्लाई कैसे करूँ, ये एक बड़ी समस्या है। और मेरे ऊपर उस टाइम पे सर्विस टैक्स नहीं था उन ट्रांजेक्शन पर, रजिस्टर्ड तो था मैं लेकिन उन ट्रांजेक्शन पर मेरे पे सर्विस टैक्स नहीं था, तो अगर मैं उसका रिप्लाई देता हूँ तो मेरे को एक एडिशनल बर्डन आ रहा है, किसी प्रोफेशनल की सर्विस लेनी पड़ रही है जैसे आपकी सर्विसेज, तो इसमें क्या करा जाए, आप सही एक बार गाइड कीजिए। बिल्कुल, तो जैसा आपने कहा कि नोटिसेज आ रहे हैं 26AS वर्सेस इनकम टैक्स रिटर्न की, सॉरी सर्विस टैक्स रिटर्न की रिकंसिलिएशन के बेसिस पे, तो ऐसे नोटिसेज हमें भी आए थे। फॉर एग्जांपल जो मेरे
एक्स बॉस रह चुके हैं, ही वॉज एन एडवोकेट। ओके, तो जैसे कि पता एडवोकेट की सर्विसेज सब रिवर्स चार्ज में रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डिपार्टमेंट ने देखा उनके 26 इयर्स में आ रहा है एक अच्छा खासा अमाउंट, और रिटर्न में भी आ रहा है अच्छा खासा अमाउंट क्योंकि रिवर्स चार्ज है। तो इन्होंने तो सर्विस एक्सपे नहीं किया। तो ये होता क्या कि ये सब सिस्टम बेस्ड इंफॉर्मेशन है। जी जी। वो रिटर्न में ये भी नहीं देख रहे हैं कई केसेस में कि इसने डिक्लेरेशन ही रिवर्स चार्ज की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें हमें रिप्लाई देना पड़ता है कि सर ये तो रिवर्स चार्ज है, जिसमें एक अपेरेंट केस है कि ये तो आपने नोटिस ही विदाउट लुकिंग एट द रिकॉर्ड्स दिया है। लुकिंग एट द रिकॉर्ड्स। तो उस केस में हमने देखा कि जो एडवोकेट का नोटिस आता है तो वो ड्रॉप हो रहा है। वो ड्रॉप हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जो नोटिस आ रहे हैं तो उनसे डरना नहीं है। जैसे कोरोना से नहीं डरना, ऐसे सर्विस टैक्स के नोटिस से डरना नहीं है, उनका सामना करना है। मतलब उनका रिप्लाई करना है, उनका रिप्लाई आपको रिकंसिलिएशन आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। रिकंसिलिएशन। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं एडवर्टाइजिंग एजेंसी का। जी। जैसे हम अभी एक केस कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी का, तो उसमें होता क्या कि मान लो मैंने कपिल जी को काम दिया कि कपिल जी आप मेरा एडवर्टाइजमेंट करो, जैसे आज ये कर रहे हैं शायद मेरे इस लेक्चर के थ्रू। तो इन्होंने मेरा एडवर्टाइजमेंट करना है। तो कपिल जी ने कहा कि मैं तो एक एजेंसी हूँ, मीडियोकर हूँ, लेकिन मुझे पीछे बैकएंड से दैनिक भास्कर, जी टेलीकॉम, इन सबसे कॉन्टेक्ट करना है। मगर ठीक है जी, आप ही करो। तो इन्होंने कहा जी मेरे पास तो जी उनकी तरफ से काम आता है 100 रुपए का, लेकिन क्योंकि मैं एक एजेंसी हूँ तो वो मुझे 15% का डिस्काउंट देते हैं, जो मैं आपसे कमीशन लूंगा। ठीक है। तो इनके केस में क्या होता है कि इनके 85 रुपए तो इनकी कॉस्ट है और 15 रुपए इनकी वैल्यू ऑफ सर्विस है। वैल्यू ऑफ सर्विस है, राइट। तो यहाँ पे प्योर एजेंट का कॉन्सेप्ट होता है कि ये अपनी रिटर्न में फर्निश करेंगे कि इन्होंने कशिश से 100 रुपए लिए, लेस प्योर एजेंट में जी टेलीकॉम को या दैनिक भास्कर को 85 रुपए लिए, तो 15 रुपए इनकी वैल्यू ऑफ सर्विस है। अब इन पर डिपेंड करता है कि इन्होंने सर्विस रिटर्न फाइल कैसे की है। अगर तो इन्होंने रिटर्न फाइल किया 100 - 85 = 15 तो शायद नोटिस ना आए। ना आए। लेकिन कई एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ने, जैसे जो नोटिस मेरे पास भी आया, उन्होंने सिर्फ 15 की रिटर्न फाइल कर दी, तो वो उसका देना पड़ा। तो उनको नोटिस इतना भारी आ गया कि वो कह रहे हैं सर इतनी तो मेरी टर्नओवर ही नहीं रही पिछले इतने सालों में, और इतने का मुझे नोटिस आ गया, मैं क्या करूं। तो मैं, घबराने की जरूरत नहीं है आपको, जब ये नोटिसेज आ रहे हैं ये सब एक वो वेव चलती है ना, पहले जीएसटी में था जी सबको ग्रोस इंटरेस्ट का, ग्रोस टैक्स अमाउंट पे इंटरेस्ट का नोटिस दे दो। एक सीबीआई से एडवाइजरी आने लग गई थी कि मतलब बेसिकली ऊपर डिपार्टमेंट से प्रेशर पड़ा है तो इन्होंने नोटिस भेजे, कोई एक वेवलेंथ चली है तो उसके नोटिसेज आ रहे हैं। सर एक चीज और है हमारे दर्शकों को कि चलो हम इसका रिप्लाई दे दें, अब हम अपनी सर्विस टैक्स की रिटर्न ने यूजर आईडी पासवर्ड वो डेटा कहाँ से लेकर आए। हाँ जी, इसमें जो केस अगेन जो केस हम कर रहे हैं उसमें भी यही सेम इशू आया उनके पास, कि वो बोले कि सर हमारे पास रिटर्न्स तो हमने फाइल कर रखी है। मैंने कहा दो, फिर कह रहे नहीं रिटर्न हमने कभी डाउनलोड करके रखी नहीं। बिल्कुल। और आज की डेट में कुछ एस एस सी कह रहे हैं कि डाउनलोड नहीं हो पा रही है, कुछ एस एस सी कह रहे हैं कि मेरे पास यूजर आई डी और पासवर्ड नहीं है। तो अगर आपको भी ऐसा कोई इशू आ रहा है तो आपने कोई घबराना नहीं है इसमें भी। देखिए जो भी एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है डिपार्टमेंट का, कि आप एक कमिश्नरेट में फॉल करेंगे, उसकी किसी डिवीजन में होंगे, किसी रेंज में होंगे, तो जो आपका कमिश्नरेट है, हर कमिश्नरेट की एक हेल्प डेस्क होती है। ओके। और हर कमिश्नरेट की एक वेबसाइट होती है। ठीक है। मोस्टली होती है। तो आपको उन हेल्प डेस्क पे अपनी एक ईमेल सबमिट करना है कि आई एम अनेबल टू लॉग इन एट माय ऑनलाइन ACS पोर्टल, ओके, प्लीज इश्यू मी रिवाइज्ड लॉगिन आईडी और पासवर्ड, मेरा अनलॉक कर दीजिए अगर वो लॉग्ड है। ओके। और ये सजेशन है कि हर कमिश्नरेट में एक सिस्टम का डिपार्टमेंट होता है जो सारा सॉफ्टवेयर देखता है, तो आप वहां जाके अपनी एप्लीकेशन लगाए, वो लगे हाथ आपको अनब्लॉक करके दे देते हैं। तो इसमें आप ऐसा करें हमेशा, और एक ईमेल तो आप पक्का ड्रॉप करें, क्योंकि एक रिकॉर्ड्स पे चीज आए तो कल को आपको ये नहीं लगता कि ऐसा सोया हुआ था। ठीक। चलिए कशिश जी, बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे दर्शकों के काफ़ी सवालों के जवाब दे दिए। सारे सवालों के तो जवाब हम यहाँ पे नहीं दे सकते, अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि इन सर्विस टैक्स के नोटिसेज को लेकर आपका क्या सवाल है। मैं कशिश जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी कमेंट्स आए सर आप उनका रिप्लाई दे दीजिएगा इस वाली वीडियो के लिए। और मैं धन्यवाद करूँगा कशिश गुप्ता जी आपका एक बार फिर से कि आपने दर्शकों को इतनी अच्छी नॉलेज दी, क्योंकि सर्विस टैक्स में मैं तो ब्लैंक हूँ, कुछ भी जानकारी नहीं दे सकता। चलिए इसी शब्दों के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं। आप सब लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, फिर भी जिन्होंने नहीं करा एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।